तो टीआईआर की ऑब्जेक्टिव शीट इसमें क्वेश्चन नंबर वन, कितने लोगों ने ट्राई की है शीट, ट्राई की क्वेश्चन नंबर वन में डाउट हो गया था ये क्वेश्चन नंबर वन के, ये खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर टू मैं चाहता हूं आप डिस्कस करें, ये नीट और मेन में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप पुराने पेपर जब उठाएंगे तो आप नीट के अंदर तो आपको ऐसा डायग्राम पक्का दिखेगा। देखो जरा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक फिश है और फिश जो है वो इस लेफ्ट एक्वेरियम के लेफ्ट की तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है और इधर से एक फ्लाई है। पहली बात तो इस फिश को फ्लाई अपने एग्जैक्ट दूरी पे कभी भी नजर नहीं आएगी, दूर नजर आएगी। तो जो फ्लाई है वो म्यू इंटू एक्स दूर नजर आएगी, पहला पॉइंट। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो फिश है वो लेफ्ट की तरफ आ रही है विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिश है वो 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ आ रही है और वो ऑब्जर्व कर रही है एक फ्लाई को अप्रोचिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड, उसको लग रहा है कि फ्लाई उसके पास आ रही है विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो फ्लाई की 8 मीटर पर सेकेंड एक्चुअल स्पीड कभी भी नहीं होगी क्योंकि चलती हुई फिश फ्लाई को देख रही है, तो एक्चुअल स्पीड तो हो नहीं सकती। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, पहली प्रॉब्लम ये है कि ये खुद चल रही है और इसको लग रहा है कि सामने वाला जो फ्लाई है वो 8 के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब उसको ये रिलेटिव स्पीड गिवन है 8, इसकी एक्चुअल स्पीड थोड़ी ना गिवन है 8, पहली प्रॉब्लम। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, वो क्या, मीडियम चेंज है। मीडियम चेंज की होने की वजह से इसका जो शिफ्ट है वो उसको दिखने वाला है, तो जो स्पीड है वो भी म्यू टाइम्स होने वाली है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो म्यू टाइम्स होने वाला है। तो आप सीधी इसी क्वेश्चन पे आए, जो 8 है वो पता है क्या है, इधर से फिश आ रही है और इधर से फ्लाई, फिश की स्पीड क्या है 3 और फ्लाई की स्पीड क्या है म्यू इंटू एक्चुअल स्पीड ऑफ फ्लाई। तो अगर एक्चुअल स्पीड ऑफ फ्लाई वी है तो उसकी फिश को स्पीड क्या दिखने वाली है, म्यू टाइम्स वी। वो क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स की जगह क्या होने वाली है, म्यू टाइम्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी भी कितने टाइम होने वाली है, म्यू टाइम्स वी। तो अब 3 एक्चुअल स्पीड ऑफ फिश है और ये स्पीड फ्लाई की जो उसको नजर आने वाली है और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी गिवन है, 8। यहां से म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, फ्लाई की एक्चुअल स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है, आपने एक ही क्वेश्चन लगानी है जिसका भी मीडियम चेंज है उसको म्यू से आपने यहां पर वेलोसिटी को या डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका हिंट है, ठीक। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है, अ लेयर ऑफ ऑयल 3 सेंटीमीटर थिक और एक कलर्ड वाटर है 5 सेंटीमीटर थिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर्ड वाटर का गिवन है एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ टू लिक्विड अपीयर्स टू बी 36/7। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है भाई, दो मीडियम्स हैं नॉर्मल शिफ्ट, एक में अलग दूसरे में अलग, तो रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ वाला टॉपिक है ये। तो एक की डेप्थ पता है, दूसरी की डेप्थ पता है, एक का रिफ्रैक्टिव पता है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव पता है और टोटल आपको डिस्टेंस पता है क्या नजर आ रहा है, 36/7। तो हमने लास्ट टाइम नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन किया था, वहां से सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 या 5, यस सर, डाउट है फोर क्वेश्चन में, नंबर डाउट है सर, 4 में डाउट है। फोर। 4 में एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है ये रहा, एंड बल्ब इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ एच, तो एच डेप्थ नीचे है बिलो दी पानी की सरफेस, पानी की सरफेस के एच डिस्टेंस नीचे है। अ फ्लोटिंग ओपेक डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर सो दैट द बल्ब इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सरफेस। हमने लास्ट टाइम एनसीईआरटी की शीट में किया था, हमने ये किया था कि लाइट जो है अगर यहां से चलती है तो इसके बाद आफ्टर मेकिंग क्रिटिकल, इफ एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल तो टीआईआर हो जाएगा, लाइट जो है वो वापस आ जाएगी। तो लास्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, ये वैल्यू होगी, इसके बाद तो लाइट ने वापस आ जाना है, तो ये एंगल क्या बनने वाला है, क्रिटिकल, तो ये भी क्या बनने वाला है, क्रिटिकल, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंड क्रिटिकल। ये स्टेप क्लियर है। फिर मैंने ये सिखाया था कि जो बची हुई पोर्शन से लाइट आ रही है वहां पर हमने क्या रख दिया, एक डिस्क रख दिया, एक डिस्क को रख दिया, तो ये मैंने डिस्क को रख दिया, आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ डिस्क निकालना है। क्या है, अब आपको पता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बनने वाला है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी, देखो ग्रेटर देन यूज करोगे तो भी ठीक है, टीआईआर करवाना चाहते हो पूरी तरीके से, नहीं तो इक्वल टू सी पे काम कर लो। तो आई ग्रेटर देन सी है, साइन आई ग्रेटर देन साइन सी है, साइन सी क्या है 1/μ, और साइन ऑफ आई क्या है, देखो आई या सी एक ही बात है, साइन सी की वैल्यू
यहां पर क्या होगी, साइन सी विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और ये वैल्यू है कितनी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो साइन सी की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देना, आपके पास आर की कंडीशन आ जाएगी। इसको स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करके आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, ये क्वेश्चन हमें लास्ट टाइम डिस्कस वाली प्रॉब्लम एनसीईआरटी की शीट में की थी, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5-6 में फिफ्थ में डाउट है। कौन सा? फिफ्थ में। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से एक फिश है और वाटर है, तो क्रिटिकल एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसमें 49 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। देन द फिश कुड सी थिंग्स अबव द वाटर सरफेस विद इन एन एंगुलर रेंज ऑफ, एंगुलर रेंज का मतलब क्या है कि जो एंगल बनेगा, एंगल क्या बन रहा है दोनों तरफ से, थीटा एंड थीटा, तो एंगुलर रेंज क्या है, 2 थीटा। तो थीटा क्रिटिकल एंगल है, इसमें टोटल एंगल आपको निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल यहां पर 49 डिग्री है, तो 49 का डबल क्या होगा 98, तो एंगुलर रेंज उसकी क्या होगी 98 डिग्री पे वो चीजों को देख सकता है। इसके बाद तो लाइट को वापस ही आ जाना है। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये डिस्कस किया था, वैसे म्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, बट अगर नेगेटिव हो, वो कहता है मान लो अगर नेगेटिव हो जाए और रे ऑफ लाइट एंटर करती है रेयर से डेंसर में, तो कौन रिफ्रैक्शन कैसे बनेगी। देखो ये नॉर्मल तो बनेगी नहीं, ना ऐसी बनेगी ना ही रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं, रिफ्रैक्शन तो होगी। तो म्यू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। अगर म्यू नेगेटिव हो जाए तो साइन आर भी नेगेटिव हो जाएगा। साइन आर नेगेटिव का मतलब आर नेगेटिव हो जाएगा, आर नेगेटिव का मतलब कि इधर जाने की बजाय रे इधर आ जाएगी, क्वाड्रेंट चेंज कर लेगी, इधर से इधर आ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे मटेरियल्स, मैनमेड मटेरियल्स हैं जिनका म्यू नेगेटिव अगर किया जाए, ऐसे मटेरियल को मेटा मटेरियल बोलते हैं या मैनमेड मटेरियल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नहीं आता, म्यू पॉजिटिव पे क्वेश्चन आता है, पर अगर आ जाए तो ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट 7th-8th में, ठीक ठीक है।